बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कुक विद सादिया मेमन में हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे गोश्त की बिरयानी। रेगुलर बिरयानी तो हर किसी के घर में बनती है जो नॉर्मल हमारी होती है, और लेकिन कच्चे गोश्त की बिरयानी अमूमन कम जगह बनती है। तो मैंने सोचा कि मैं आपको आज ये नई रेसिपी सिखा दूँ, क्योंकि वो अल रहमान की जो खारदा की बिरयानी जो मशहूर हुई थी, वो तो कराची शेफ एट होम वालों ने कुछ इतनी ज़्यादा बना ली कि अब मुझे तो चिड़ी हो गई उस बिरयानी से। तो फिर अब ये कि ये थोड़ी आपको डिफरेंट लगेगी, उसका टेस्ट भी अच्छा बनता है और मसाले भी इसमें कम जाते हैं। चलें मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट करेंगे, इसके लिए मैं आपको सारा सामान नोट करवा दूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने फ्राई कर लिया है। अच्छा, ये आपको बता दूँ कि आप पूरी हद तक कोशिश कीजिएगा कि इसमें आप अपने घर का अपने हाथ से फ्राई किया हुआ प्याज डालें। बाजार का फ्राई किया हुआ प्याज से ये आपको बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा बिरयानी में। अच्छा, यहाँ पे मैंने साबित गरम मसाले लिए हैं, थोड़ी सी सफ़ेद इलायची है, बादियान के फूल हैं, लौंग है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है और ये बड़ी इलायची है। 300 ग्राम मैंने दही लिया है, 300 ग्राम मैंने यहाँ पे दही लिया है फेंटा हुआ, और चिकन है हमारा 750 ग्राम। और ये आपको मैं खुश मसाले बता दूँ, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टेबलस्पून भर के नमक है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टेबल स्पून, और ये है यहाँ पर पिसा हुआ जीरा है, मेरा रोस्टेड जीरा है 1 टेबल स्पून, 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया है। अच्छा, मैं यहाँ पर रखना भूल गई हूँ, मैं 1 टीस्पून के बराबर साबित ज़ीरा भी मैं इसमें डालूँगी। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया है, फूड कलर को मैंने बिरयानी एसेंस और केवड़े का जो पानी आता है ना, ज़ाफ़रानी केवड़ा जो आता है, मैंने ये दोनों मिला के मैंने इसमें जर्दे का रंग थोड़ा डार्क वाला मिला लिया है। अच्छा, यहाँ पे ज़ाफ़रान है मेरे पास, थोड़ी सी ज़ाफ़रान मैंने दूध में भिगो के रखी थी, और ताकि मैं ये भी कलर के तौर पर डाल सकूँ, लाइट कलर के तौर पर। असली ज़ाफ़रान की मैं आपको पहचान बता दूँ कि असली ज़ाफ़रान को अगर आपको चेक करना है कि ये असली ज़ाफ़रान है, तो इसको देखिए कि इसको भिगोने के बाद इसका कलर येलो टाइप का निकलेगा। अगर ज़ाफ़रान की जगह आपको भुट्टे के बाल अक्सर रंग के पकड़ा दिए जाते हैं ज़ाफ़रान के, तो वो आप चेक कर लीजिएगा कि अगर उसको आप भिगोएंगे तो आपको लाल कलर निकलेगा, कभी भी उसका कलर पीला नहीं निकलेगा। एक बड़े साइज़ का लीमू लिया है मैंने, उसका रस मैंने निकाल लिया है। 1.5 टेबल स्पून हमारा लहसुन अदरक पेस्ट है, ये भी बिल्कुल फ्रेश है, मैंने अभी ही पीसा है। अच्छा, हरा धनिया है, पुदीना है और सब्ज़ मिर्चें हैं। अच्छा, पुदीना मैंने ये 1 गड्डी पूरी बड़ी वाली ली थी, इसमें इतनी गुंजाइश नहीं थी डिश में, तो मैंने यहाँ पे आधी गड्डी रखी है, आधी गड्डी मैंने अलग से काट के रखी है, पुदीना इसमें भर भर के जाएगा। चलो अब हम अपना चिकन मैरिनेट करते हैं। अच्छा, ये बता दूँ कि यहाँ पे 750 ग्राम जो है चिकन हमारी 750 ग्राम थी, तो चावल भी 750 ग्राम है, यानी कि 3 पाव के लगभग। इसको मैंने भिगो दिया था काफ़ी देर, और मैंने ये क्या बोलते हैं अब इसका पानी निकाल लिया है। अच्छा, ये बता दूँ कि मैंने बासमती राइस लिए, आप सेला चावल की भी बिरयानी बना सकते हैं, बस उसको ये कि आपको 2-2.5 घंटे पहले से भिगोना पड़ेगा। ये मेरे अच्छी क्वालिटी के बासमती चावल हैं जिन्हें मैंने मुश्किल से 20 मिनट ही भिगोया है। चलिए अब हम इसे मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले हम दही डालेंगे। ये जो बिरयानी है इसमें टमाटर आलू बुखारे कुछ भी नहीं जाता, बस ये दही और प्याज से ही बन जाती है। लेमन जूस अभी हम नहीं डालेंगे, जब अब ये 1 घंटे तक मैरिनेट हो जाएगी इसके बाद हम लेमन जूस इसमें डालेंगे। लहसुन अदरक डालेंगे, सारे स्पाइसेस जो हमने रखे थे, साबित जीरा भी मैंने अब रख दिया है इसके अंदर, ये सब इसमें डालेंगे। अच्छा, अब इसमें 2 बादियान के फूल डालेंगे, थोड़ा गरम मसाला मैं बचाऊंगी, जो चावल बॉईल करेंगे तब पानी में डालेंगे। इलायची डालूंगी। अच्छा, ये थोड़ा गरम मसाला मैंने छोड़ दिया है क्योंकि चावल बॉईल करूंगी तब डालूंगी, ये तेज़पत्ता मैं मैरिनेशन में नहीं डालूंगी, जब मैरिनेट हो जाएगी और पकाने रखेंगे तब डालेंगे। चलो अब आस्तीन चढ़ा लें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें।
इसमें हम धनिया और पुदीना भी थोड़ा सा मैरिनेशन में ही डाल देंगे। अब मैंने इसको उसी में पतीली में डाल दिया है जिसमें हमें इसको पकाना है। अब इसे एक घंटे के लिए कवर करके मैं छोड़ दूंगी। अब हम चावल उबालने के लिए जा रहे हैं, चले आप ही शरीक हो जाए। चलो पानी गर्म होने मैंने रख दिया है, इसमें मैं इलायची, बादियान के फूल, लौंग, ये एक दो तेज़ पत्ते और एक दालचीनी मैं डाल दूंगी। अब इसमें नमक डालेंगे, चावल उबालते वक्त आप नमक जितने कप आपने चावल लिए हो उससे एक कप का ज़्यादा हिसाब लेके आप नमक डालिएगा। ये उबल जाता है पानी तो हम इसमें चावल डालते हैं। पानी उबल गया था, अब मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। जब तक हमारे चावल तैयार होंगे तब तक चिकन भी थोड़ी मैरिनेट हो जाएगी। चलो थोड़ी सी कसर हम रहने देंगे चावल में, क्योंकि कच्चे गोश्त की बिरयानी है तो उसमें ही थोड़ी ये उसमें भी पकती है ना। अच्छा चावल बॉयल हो गए, चावल मैंने निकाल लिए, अब हम इसे तैयार करते हैं। इसे अब मैं इसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से फैला दूंगी, सेट कर दूंगी, बिल्कुल हर तरफ बिल्कुल बैलेंस इसको सेट कर देंगे हम पतीली में चिकन के पीस को। अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि इसमें आलू मैंने नहीं डाले, क्योंकि कच्चे गोश्त की बिरयानी में आलू नहीं डलते। लेकिन अब मसला ये है कि घरों में बच्चे भी होते हैं तो आलू वगैरह चाहिए भी होते हैं, तो इसका आप एक हल हो सकता है कि आप आलू के टुकड़ों को फ्राई करके जब आप इस तरह की तह लगाएं तो आलूओं को भी चिकन के बाद आप ऊपर फैला दें, तो वरना तो फिर कच्चे गोश्त की बिरयानी तो बगैर आलू के ही होती है। चलो अभी जो साबित गरम मसाला जो बचा हुआ था ना, दालचीनी और तेज़पत्ता, वो डालेंगे। इसमें आधी फ्राई की भी प्याज जो है हमारी वो डाल देंगे। अच्छा मैं अब ये जो लेमन जूस था इसको हम ऊपर से डाल देंगे। मैं ऑयल लाना भूल गई, मैं ऑयल भी लेकर आऊँ। एक प्याली यहाँ पे भर के हम ऑयल को डालेंगे इस तरह से। पुलाव घी में और बिरयानी ऑयल में ही अच्छी बनती है, पुलाव का जायका घी में बड़ा ज़बरदस्त आता है, जबकि बिरयानी को अगर हम घी में बनाते हैं तो वो बहुत चिपकी चिपकी रहती है। चल ये एक प्याली हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें पुदीना डालेंगे, धनिया डालेंगे और हरी मिर्चें, ये अभी हम आधी डालेंगे, बाकी हम थोड़ी छोड़ देंगे। अब चावलों की तह लगाते हैं। आधे चावलों की अब तेल लगाएंगे, फिर हम फिर से प्याज वगैरह डालेंगे। थोड़े चावलों की तेल लगा ली मैंने, अब इसमें मैं ज़ाफ़रान जो था दूध वाला वो डालूंगी, थोड़ा मैंने बचा लिया। अब ये जो केवड़ा एसेंस वाला जो था हमारा वो हम डालेंगे थोड़े थोड़े फासले से।
धनिया पुदीना डालेंगे, फिर से मिर्चें डालेंगे, तली हुई प्याज जो है हमारी वो डालेंगे फिर से। चल अब फिर से जो बचे हुए चावल है उनकी तेल लगाते हैं। फाइनली जो बचे हुए चावल थे मैंने वो भी डाल दिए। अब मैं जो हमारा प्याज है वो डालूंगी। हमारे अपार्टमेंट में आजकल बहुत ज़्यादा शोर शराबा है। अल्लाह जाने किसकी शादी है जो 15 दिन हो गए अल्लाह के बंदे की, ढोल ढमाके ख़त्म ही नहीं हो रहे, या तो फिर कुछ एक से ज़्यादा शादियाँ चल रही हैं। लगता है एक बंदा चार चार शादियाँ कर रहा है। सर में दर्द होने लगा ये ढोल ढमाके सुन सुन के। चल ये बच्चा का जो दूध वाला था ये भी थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे। अच्छा इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपने अंदाजे से ऑयल डालिए। और अब हम इसे पहले मीडियम फ्लेम पे हम रखेंगे इसको 5 मिनट तक। इसके बाद हम एक मोटा तवा लेके उसके ऊपर इसे कवर करके रख देंगे धीमी आंच पे तकरीबन 1 घंटा, या 1 घंटे से कम भी आप ज़रा चेक कर लीजिएगा कि मसाला लगे नहीं। मैंने नॉनस्टिक का पॉट लिया है तो उम्मीद तो है कि ये चिपकेगा नहीं। चल इसे मैं कवर करती हूँ। चल ये इस तरह कवर हो गया। अब हम इसे चूल्हे पे रखते हैं। इसे पहले मैंने 5 मिनट के लिए थोड़ा सा तेज़ आंच पे रखा था, फिर मैंने तवा रख के अब इसे धीमी आंच में कर देती हूँ। ठीक है अब 50 मिनट के बाद हम इसे चेक करते हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये तैयार हो ही जाएगी। चलें मिलते हैं 50 मिनट बाद। चलें 50 मिनट हो गए, अब हम चेक करते हैं। देखिए अच्छी तरह ये दम पे आ गई है। अब हम इसे निकालते हैं। चलें जी हमने बिरयानी डिश पे निकाल ली है। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कैसी बनी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।